ये PFAC 2024 का जो मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में हमने बताया था, सो जो स्कॉलरशिप भी टेस्ट हमने लिया था उसके आधार पे हमने ये बताया था कि मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होगा 4th ऑफ सितंबर से। ये वीडियो ओपन के लिए है, कुछ चीजें हैं जो ओपन में हम वो सबके लिए है, आप उसको फॉलो करो ना करो ये आपका अपना श्रद्धा है और आपका अपना मॉरल ड्यूटी है, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप चाहो तो इसके साथ मूव कर सकते हो, आप चाहो आप अपने कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हो। लास्ट 2 इयर्स से मैं कुछ चीजें ओपन में चीजों को बताता हूँ, करता हूँ कि हाँ इस ढंग से आपको फॉलो करना है, और कुछ जो है वो क्लोज्ड ग्रुप में जो पेड प्रोग्राम में है, जो लिमिटेड फ्यू कैंडिडेट्स हैं उनको, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी, सेपरेट चीजें होंगी, वो मैं उनको डिस्कस करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो ओपन में है इसके अलावे आज जो होगा वो उनके साथ जूम लाइव सेशन होगा, और फिर कमिंग डेज में उनको टास्क दिया जाएगा, उनके उनको ट्रैक किया जाएगा। लेकिन ये एक ओपन में है, ये जब ओपन में कोई टास्क मैं देता हूँ तो ये सबके लिए है, ये जो हमारे पेड वाले में है उनके लिए भी है, और जो पेड में नहीं है ये उनके लिए भी है, सबके लिए ओपन में है। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक डिफरेंट चैलेंज है। आप कोई भी एकेडमिक एग्जाम लेते हो उसके चैलेंज डिफरेंट होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के चैलेंज डिफरेंट होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक मेयर कट ऑफ आप देखते हो, यस आई क्वालिफाई द कट ऑफ, ये क्राइटेरिया हमने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन वहां नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड करता है। जैसे सिंपल एग्जाम्पल लो, आपके रिटन पार्ट में असिस्टेंट कमांडेंट में CAPF में एसी में 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर टू में आप देखो क्या है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है 50 मार्क्स। 50 मार्क्स आपका पेपर 2 में क्वालिफाइंग है, मीन्स यदि आप पेपर 2 में 50 मार्क्स नहीं ला रहे हो 200 में से तो आप क्वालिफाई नहीं हो। आप पेपर 1 में कितना भी अधिक ले आओ, सपोज थ्योरेटिकली करो कि 200 आपने पेपर 1 में ले आया, क्योंकि अब मैं 200 का एग्जाम्पल इस वजह से दे सकता हूं कि कैंडिडेट ने लाया है, 180 वाले बहुत सारे हैं। अब मान के चलो 200 आपने ले आया, यहाँ 49 लाया, इस मार्क्स का कोई मतलब है, लेकिन यहाँ आपने 140 लाया और यहाँ जस्ट 60 लाया, अब इस मार्क्स का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 140 प्लस 60 200 होता है। हो सकता है कि कट ऑफ आपका आता रहे कि आप रिटर्न सपोज क्वालिफाई कर गए, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बना है। तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करो कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें एक्स्ट्रा स्कोर करना है। अभी जो कपल ऑफ इयर्स के देखो, लास्ट यानी कि 3 इयर्स के बेंचमार्क को लेकर के देखो या 4 इयर्स के लेकर के देखो, 2019 से लेकर के चलो 2019, 2020, 2021, 2022, 2021-22 में कट ऑफ बहुत ज्यादा गया, लेकिन 2019 और 2020 में भी कट ऑफ अच्छा खासा था, 23 में कट ऑफ कुछ गिरेगा डेफिनेटली, ओके। लेकिन अब जो कैंडिडेट 24 का एग्जाम देने वाले हो, तो अभी से आपके पास 11 मंथ्स हैं। अब ये चीज 6th ऑफ अगस्त को एग्जाम होगा 2023 का, तो मैंने आपको बताया था कि यस आई विल स्टार्ट फ्रॉम अगस्त इटसेल्फ और सितंबर 1st वीक। तो हमेशा ध्यान रखो कि कुछ भी जब एग्जाम होता है उसके बाद आप कंटिन्यूटी में वर्क नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ चीजें इनपुट मैं आपको प्रोवाइड करता रहा हूँ, लेकिन एज ए टीचर एज ए मेंटोर मुझे भी थोड़े से चाहिए वक्त चाहिए था कि हाँ हम उस चीज को कर सकें, उसको देख सकें, वो चीजों को एनालाइज कर सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनसे बात करता हूँ सारी चीजों को, कभी कभी है कि थोड़ा सा आपको घूमना फिरना भी होता है, थोड़े कुछ गए आउटसाइड ये वहाँ घूमे टहले थोड़ा सा रिफ्रेश हुए, इस सब के लिए होता है। जो एग्जाम्स भी दिए हैं 23 का, जो अच्छा गया या खराब गया, मैं सारे कैंडिडेट्स को बोला कि थोड़े दिन 1 वीक 2 वीक्स थोड़ा सा रिलैक्स रहो, अपने को रियलाइज करो यस हम कहाँ हैं किस स्थिति में हैं।
तो जो अभी मैं टास्क दे रहा हूं और एक्सरसाइजेस जो दे रहा हूं जो आपको करना है, अभी एक सबसे पहली टास्क आप लोग के सबके लिए है, ये चीज सब कैंडिडेट्स के लिए, हर कैंडिडेट्स के लिए है। सबसे पहले आप अपने को रिकॉग्नाइज करो कि जो कैंडिडेट्स इसमें एग्जाम दे चुके हो, ये एक पहले उस पॉइंट ऑफ व्यू से लो कि जो एग्जाम दे चुके हो या नहीं दिए हो तब भी एटलीस्ट इस एग्जाम को समझते हो। मैं पहले इस स्थिति पे आता हूं कि पहले मैं मानता हूं कि इधर आपने एग्जाम दे रखा है या आप इस एग्जाम को अच्छी तरीके से समझते हो। तो जब इस एग्जाम को दे चुके हो या आप अच्छी तरह से इस एग्जाम को समझते हो कि इस एग्जाम का क्या रिक्वायरमेंट है, तो अब आपका टास्क है सबसे पहले आप अपने आप से कुछ प्रश्न पूछो। यू शुड आस्क योर सेल्फ कि मेरे स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पास स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। मैं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट यहां नहीं जाऊंगा। जैसे मैं जब इंटरव्यू का प्रिपरेशन कराने लगता हूं तो कैंडिडेट्स को बोलता हूं सोट एनालिसिस करो, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। यहां मैं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट में नहीं जाऊंगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्ट्रेंथ आपकी क्या है और वीकनेस आपकी क्या है। आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानो कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है और हमारी क्या वीकनेस। आपके पास, आपको पता है कि 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 है, पेपर 2 है, फिजिकल है, मेडिकल है, फिर पर्सनालिटी टेस्ट है। तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि हमारा पेपर 1 में कुछ कंपोनेंट्स बहुत अच्छे हैं, सपोज हमारा साइंस बहुत अच्छा है, हमारा मैथ्स क्वांट एप्टीट्यूड अच्छा है, कि साइंस में सपोज अभी 30 क्वेश्चंस के आसपास आ रहे हैं तो 30 में से हम 25 सही कर सकते हैं। क्वांट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कोई कभी कभी ऑड टाइप के क्वेश्चन, जैसे 23 का जो एग्जाम हुआ उसमें से देखोगे ऑड टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ गए तो उसमें से मान के चलो, लेकिन हम रफ में मान के चलते हैं कि 15-16 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप 13 बना सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, 38 क्वेश्चंस इधर हैं, आप इनको एक तरह से कर सकते हैं कि हम 45 में करीब करीब रखो, 45 या 46-47, तो 45 में से हम 38 क्वेश्चंस को बना सकते हैं प्रॉपर विद कॉन्फिडेंस। अब आपके पास कुछ चीजें हैं कि हमारा मान के चलो ये कॉन्फिडेंस में आ गया कि ये वाला कंपोनेंट एकदम हम प्रॉपर में से। अब मान के चलो कि हिस्ट्री रहा, ज्योग्राफी रहा, पॉलिटी रहा, इन्वायरमेंट रहा, ठीक है, तो इन इनको या हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सब सारी चीजों में हमें पूरी तरह से चीजों को पता नहीं है लेकिन हम बेसिक्स को समझते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले बेस को समझना है, बेस के बाद धीरे धीरे करके एडवांस में लेयर लगाना। तो सबसे पहले आप अपने स्ट्रेंथ को लिखो कि हमारा क्या स्ट्रेंथ है, कौन सा सब्जेक्ट पे हमारा कमांड है, या सब्जेक्ट पे हमारा कमांड है लेकिन हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं तो क्यों गलत होते हैं। इन इन चीजों को करो, स्ट्रेंथ में लिखो कि हाँ ये पॉजिटिव है और वीकनेस में लिखो कि ये डिमेरिट्स को जा रहे हैं, तो उसके कॉजेस को एनालाइज करो। ये एवरी कैंडिडेट हैविंग यूनिक क्वालिटी, यूनिक कंडीशन, कोई भी दो कैंडिडेट जो हैं वो इक्वल में नहीं होते हैं। बहुत बार ये प्रॉब्लम्स ये हो रहा है अभी के डेट में, कुछ कैंडिडेट्स हैं वंस रिटन क्वालिफाई करते हैं उसके बाद सोचते हैं ना कि अब रिटन जो क्वालिफाई हो गए हैं, फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई होंगे, अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और उसके चक्कर में नेक्स्ट ईयर का एग्जाम को नहीं पढ़ते हैं। सेम सिचुएशन एवरी टाइम हो रहा है। कुछ और चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ हूँ और बहुत सारी चीजें हैं मैं डिस्कस करूंगा। कुछ चीजें हैं मैं क्लोज ग्रुप में डिस्कस करूंगा, ऑब्वियसली उनके साथ जो क्लोज ग्रुप में है, जो पेड वाले में, वो उनके साथ हम एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे। एवरीवन इज फ्री और टू ज्वाइन एनी टाइम इफ यू विश। सो ऑब्वियसली लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को जितने तो मैं गाइड कर सकता हूँ उनको ये करूंगा। तो अपने आप स्ट्रेंथ को, वीकनेस को रिकॉग्नाइज करो, उनको लिखो कि हमारी क्या कमियां हैं। किसी चीज को हम दूसरे से बोलते हैं और किसी चीज को हम स्वयं जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है आप अपने को जानो, अहम ब्रह्मास्मि, अनलहत, और ये अपदीपो भव, जितनी भी धर्मों में और ये में है, सब अपने को जानने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। तो जो अपने को जानते हो, माम विजनी ही, मुझे जानो यानी कि खुद को जानो, तो स्वयं को जानो क्या आपका स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। अब इन सारे चीजों को देख लिए, मान के चलो स्ट्रेंथ को देख लिए, वीकनेस को देख लिए,
अब अभी फिलहाल के लिए एक और काम है, ऑब्वियसली इसमें हम रेगुलर बेसिस पे कुछ चीजें आपको इनपुट प्रोवाइड करते रहेंगे, आप उसके आधार पे चलोगे, उसके बेस पे चलोगे। मैं जितने हो सकता है मौके देता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि कुछ चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो मैं ओपन में बना रहा हूँ, क्या मैं इसके लिए चार्ज करूंगा? नो, इनफैक्ट कोई भी नहीं करेगा। ओपन वीडियोज बनते हैं, वो सबके लिए बनते हैं, आप उनसे जुड़ सकते हो, उनको देख सकते हो, उनसे लाभ ले सकते हो। कोई भी टीचर ये कहेगा कि नहीं, मैं तुम्हें गाइड नहीं करूंगा, इस वजह से तुम क्वालिफाई नहीं करोगे? नो, क्वालिफाई स्टूडेंट करते हैं, उनके अपने मेरिट से क्वालिफाई वो करते हैं। टीचर क्या है? एक सहारा देने वाला है। तो एक वो नौका है और उस नौका से वो पार करा देता है। अब मान के चलो कि वो नौका नहीं है, तो हमें ब्रिज मिल गया, मान के चलो, तो नौके की भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन कोई ना कोई साधन चाहिए होता, किसी न किसी चीज की जरूरत हमें होती है। तो एक जो टीचर होते हैं, मेंटर होते हैं, आपको थोड़ा सपोर्ट करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप क्वालिफाई करते हो। तो कुछ चीजें हैं हम रेगुलर बेसिस पे आपको प्रोवाइड कराते आ रहे हैं और वो हम कराते रहेंगे। कुछ एक चीजें होंगी वो बीच बीच में मैं आपको ओपन में भी, जैसे कुछ टेस्ट होंगे वो उसको मैं ओपन में भी प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद आप अपना शुल्क करोगे उसके एंट्री की, जैसे करेंट अफेयर्स, आप देखो ना देखो, दो देखो, चार देखो, छह देखो, 10 देखो, लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ चीजें प्रोवाइड कराती जा रही है, प्रोवाइड कराई जा रही है, और ये कराया जाता रहेगा। तो अभी सबसे पहली बात यह है कि जो भी हो कैंडिडेट्स 24 में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक तो मैंने बोला स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करो, पहला टास्क आपको दिया मैंने। और दूसरा टास्क है कि लास्ट 3 ईयर्स के पेपर को लो, लास्ट 3 ईयर्स के पेपर को लो, पेपर वन प्लस पेपर टू, पेपर वन और पेपर टू, और इनमें हर क्वेश्चन को प्रॉपर तरीका से देखो। आप अपने कंडीशन जानते हो नहीं जानते हो ये मायने नहीं रखता है, लेकिन हर क्वेश्चन को देखो, टाइम दो उस पर। 125 क्वेश्चंस यदि है पेपर वन में, तो आपको 5 आवर्स कम से कम देने हैं उस पर। तो 3 ईयर्स है तो 5 5 15 आवर्स तो हो रहा है, उतना आपको देना पड़ेगा। हर क्वेश्चन को देखो, हर ऑप्शन को देखो, कुछ क्वेश्चन है उसमें बहुत कम टाइम आपको लगेगा। अब मान के चलो कि इनमें से कौन सी कंपनी महारत्ना है, तो ये आप जानते हो या नहीं जानते हो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आप ये सोचो कि क्या महारत्ना के न्यूज को हमने देखा, नवरत्ना, मिनी रत्ना, ये न्यूज पेपर में या न्यूज में कभी हमने देखा? और यदि देखा तो इसका मतलब है कि ये हमारे रिलेटेड चीजें हैं। कोई भी इकोनॉमिक से प्रॉब्लम आ गया, कि मान के चलो कि कोई एक पर्सन एक्स है, वो कुछ चीजें बाहर एक्सपोर्ट करता है, तो इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या कोई भी आरबीआई एक्शन लेती है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। इन चीजों को, हर क्वेश्चन को सोचना होगा, आपको देखना होगा, आइदर आप जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन हर क्वेश्चन को देखो। सेम सिचुएशन पेपर टू, पेपर टू के हर पेपर को 2 आवर्स का टाइम दो। मैंने पेपर वन में 5 आवर्स के अप्रॉक्स बोला आपको कि टाइम दो उसमें, और जो पेपर टू है उसके हर पेपर को 2 आवर्स का टाइम दो। तो फिलहाल के लिए अभी ये टास्क को करो, एनालाइज करो, इन चीजों को वर्क करो। उसके बाद और हम जो कमिंग डेज हैं वो उसमें से धीरे धीरे करके सिस्टमेटिक ढंग से चीजों को चलते जाएंगे, देखेंगे उसको। आप करो, कुछ एक चीजें हैं मैं आगे बताऊंगा, और माई ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑल, 5 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स एक चीज को करना पड़ता है, एक चीज को आपको वर्क करना पड़ता है, आपको रेगुलर रूप से आपको देखना है, आपको चीजों को वर्क करना है। तो वो करते चलो, वो आप वर्क करो, वो एक जो वर्क हमारा है वो मल्टीपल टाइम रिक्वायरमेंट होता है, मल्टीपल टाइम मेहनत करना पड़ता है। एक एक बुक को आपको 10 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, 20 टाइम्स पढ़ना पड़ सकता है। कुछ चीजें हम बार बार जब करते हैं, जितनी बार रिवाइज करते हैं। अब एक सिंपल सा चीज देखो कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को कहता हूँ, ऑब्वियसली मैंने वो जब टेबल पढ़ा था तो हिंदी मीडियम में पढ़ा था, अब वो मेमोरी में फिट है। क्यों? क्योंकि बचपन में इतनी बार उसको किया हूँ। सपोज अभी भी मैं किसी को बोलता हूँ कि 30 तक का टेबल मुझे याद है, एनी टाइम मैं वो किसी से मैं बोलोगे 30 तक का टेबल पढ़ लूंगा, लेकिन हाँ वो मैं हिंदी में पढ़ूंगा, इस वजह से कि वो मेमोरी में, मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो हिंदी में ध्यान है, हिंदी में याद है। फिर अब
जितनी बार भी हम उसको करें, क्यों? क्योंकि बचपन में हमने कम से कम 500 टाइम्स लिखा होगा ना, इनफैक्ट डेली होता था वो, उसको आपको डेली उस पर वर्क करना है, तो इतने वो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो आ गया है, तो वो नहीं जा सकता। तो इसी वजह से कुछ चीजें हैं उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स आपको करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए ये टास्क करो, फिर 1 2 दिन 3 दिन बाद फिर हम आपको टास्क देंगे, और ऑब्वियसली जो पेट वाले में हैं वो उनके ऊपर ज्यादा वर्क किया जाएगा, उनके उनको प्रॉपर टारगेटेड डेडिकेटेड वे में। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो जो भी क्वेश्चंस जो मैं देखता हूँ उसको मैं रिप्लाई कर देता हूँ, और या कुछ ऐसे अर्जेंट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिसको आप पब्लिकली नहीं कर सकते हो, तो उसको आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे मैसेज कर सकते हो, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे आप मैसेज कर सकते हो। कुछ भी इशूज हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसको कर सकते हो, और कंटिन्यू कुछ ना कुछ मैं चीजों को प्रोवाइड करता रहता हूँ, और ये एक कंटिन्यू जर्नी चलती रहेगी। ओके, थैंक यू।